रहीम, अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एजुकेशनल टिप्स। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो बच्चों, आज ही मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ यूनिट नंबर टू, और यूनिट नंबर टू है हमारे पास ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट। ट्रैवल एंड ट्रांसपोर्ट की मैं आपके साथ ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड लेसन नंबर वन है ये हमारा। तो आज मैं आपके साथ ये शेयर करूँगी, इसकी रीडिंग शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आप सब बच्चे अपना पेज नंबर ओपन कर लीजिए, पेज नंबर 31। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड। ट्रांसपोर्ट सिस्टम इन द वर्ल्ड यानी कि हमारे पूरे मुल्क के अंदर किस तरह से एक जगह से दूसरी जगह कैसे लोग जाते हैं, वो तजारती मामला कैसे हो रहे हैं, सारा कुछ ये हमारे क्या हो जाता है, ये हमारा ट्रांसपोर्ट सिस्टम में आ जाता है। द इम्पोर्टेंस ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट कांट बी डिनाइड, यानी कि हम लोग जो पब्लिक ट्रांसपोर्ट है, ये जो हमारी लोकल ट्रांसपोर्ट चल रही है, ठीक है, बसेस हो गई हमारी, हमारे पास रिक्शा हो गया, ट्रेन्स हो गई, ठीक है, इसको इनकी इम्पोर्टेंस को हम लोग कभी भी यूं झुटला नहीं सकते कि इसकी कोई इम्पोर्टेंस नहीं है। पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज एनर्जी एफिशिएंट, विच इज़ एन ऑन गोइंग कंसिडरेशन फॉर सिटी प्लानर्स एंड गवर्नमेंट। यानी कि ये यूं कह दीजिए कि ये एक सिटी को प्लान करने में, उसको सिटी को डेवलप करने में, इसके डेवलपमेंट में बहुत ज़्यादा काम करती है। मिलियंस ऑफ पीपल अराउंड द वर्ल्ड टेक पब्लिक ट्रांसिट एवरी डे, यानी कि हमारे यहाँ पूरी दुनिया के अंदर मिलियंस ऑफ ऐसे पीपल हैं जो कि इन्हीं ट्रांसपोर्ट के जरिए एक जगह से दूसरी जगह डेली डेली जा रहे हैं। विच रिड्यूसेस ईच पर्सन कार्बन फुटप्रिंट्स एंड इज अ साइन ऑफ सेंसिबल सस्टेनेबिलिटी। यानी कि इससे क्या होता है कि लोगों की इतना, देखिए अगर हम लोगों ने एक शहर से दूसरे शहर जाना हो, कितनी आसानी से हम चले जाते हैं। ये क्या है, ये एक डेवलपमेंट है, एक टेक्नोलॉजी है। तो गवर्नमेंट अराउंड द वर्ल्ड आर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस वजह से गवर्नमेंट जो है, अब जाहिर सी बात है, जब लोगों को आसानी होगी तो उनकी क्या होगा कि उनके अंदर एक स्टेमिना होगा, एक स्टेमिना पैदा होगा कि यार हाँ, अगर मैं अगर इस जगह से दूसरी जगह में इस टाइम इतने से अरसे में पहुंच जाता हूँ, आधा घंटा मुझे हार्डली लगता है मुझे अपनी ऑफिस उस अपने ऑफिस तक जाने में, तो ठीक है ना। अगर जाहिर सी बात है, अब देखिए अगर हम पुराने दौर में देखें, पुराने दौरों में क्या होता था कि लोगों को सदियाँ साल साल एक पूरा पूरा साल लग जाता था एक जगह से दूसरे शहर, एक शहर से दूसरे शहर जाने में, या एक अब यहाँ से मैं पंजाब से सिंध चली जाऊँ तो अगर मेरे वो लोग घुड़सवारी करते थे, इतना अरसा लग जाता था, ठीक है। तो आज क्या है, आज हमारे पास ट्रांसपोर्ट है, ट्रांसपोर्ट के जरिए हम लोग मिनटों सेकंडों में उधर पहुँचते हैं। इसी तरह से अगर आज हम लोगों को अपने बच्चों को स्कूल छोड़ने में या हम लोगों को खुद अगर ऑफिस जाना हो तो इतना टाइम नहीं लगता। तो ये क्या है, ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट। अगर हम, जरूरी नहीं है हमारे पास गाड़ी हो, हमारे पास कोई बाइक हो, हम पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ कर सकते हैं। गवर्नमेंट्स अराउंड द वर्ल्ड आर प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट। इस वजह से गवर्नमेंट जो है इस पब्लिक ट्रांसपोर्ट को प्रमोट करती है। द पब्लिक ट्रांसपोर्ट कम इन मैनी फॉर्म, और ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट है ये हमारे पास मुख्तलिफ तरह से आती है। हमारे पास ये पब्लिक ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास हमारी बसेस भी आ जाती हैं, ट्रेन्स भी आ जाती हैं, एंड बोट्स आर द मेन ट्रांसपोर्ट सिस्टम पीपल स्टिल रिलाई ऑन। और ये जो कश्तियाँ, ये आज हम लोग देखिए, अगर हम लोग डैम्स में जाते हैं, वो तो हम लोग ऐसी सैर तफरी के लिए हम लोग उधर बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हाँ आज भी लोग बोट्स का इस्तेमाल करते हैं, उस पर स्टिल आज तक रिलाई कर रहे हैं। जितनी छोटी बड़ी बड़ी हमारे पास इम्पोर्ट एक्सपोर्ट हो रही है, बड़ी बड़ी, ये सारे किस पे हो रही है, शिपिंग के थ्रू हो रही है। हांगकांग ट्रांसपोर्ट सिस्टम इज कंसिडर एज द बेस्ट इन द वर्ल्ड, और हांगकांग की जो ट्रांसपोर्ट है उसको दुनिया की बेहतरीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम करार दिया जाता है। अराउंड 12.6 मिलियन पैसेंजर जर्नी आर मेड ऑफ ऑन पब्लिक ट्रांसपोर्ट डेली, विच इज़ अराउंड 90% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन। उसकी 12.6 मिलियन पीपल जो 12.6 मिलियन आबादी जो है ना, वो डेली पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। और ये उसका अगर हम लोग टोटल निकालते हैं, टोटल टोटल आबादी 90% आबादी जो है वो हांगकांग की किस क्या यूज़ कर रही है, लोकल ट्रांसपोर्ट यूज़ कर रही है। हांगकांग मॉडर्न मेट्रो सिस्टम, डबल डेकर बसेस एंड रिवर फेरीज अलाउ राइडर टू यूज 3G इंटरनेट इन ऑल टनल्स एंड स्टेशन। और हांगकांग के अंदर ये भी है कि हमारे यहाँ खैर नेट हो, तो वहीं जहाँ पर नेट हो ना, वहाँ पर लोगों का हजूम होता है, तो फ्री का नेट तो हर कोई इस्तेमाल करता है आजकल, तो है ही इंटरनेट की दुनिया। तो हांगकांग में क्या है, उनकी मेट्रो मेट्रो सिस्टम जितना भी है, उनकी डबल डेकर जितनी भी है, उनकी ये जो कश्तियाँ जितनी भी चल रही हैं छोटी छोटी, इधर हर जगह इनके यहाँ इंटरनेट लगा हुआ है हर स्टेशन के अंदर। दे आर ऑल्सो क्लीन, फास्ट, सेफ एंड एफिशियंट। सिंगापुरियन एंड इटलीज रिवर ट्रांसपोर्ट इज स्टिल वेरी पॉपुलर। और अगर हम लोग सिंगापुर और इटली की स्पेशलिटी की बात करें, तो उनकी जो रिवर ट्रांसपोर्ट है ना, यानी वही कश्तियों के जरिए उनकी बोट सिस्टम बड़ा आला है, बहुत ज़बरदस्त है, जिस वजह से वो बड़ा मशहूर है। यू कैन हेयर द वर्ड लाइक रिवर फेरीज, रिवर टैक्सी, वेरी कॉमन इन दिस पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। और आप इन कंट्रीज के अंदर ना रिवर फेरीज, रिवर टैक्सी, हमारे यहाँ तो रोड टैक्सी होती है ना, उनके यहाँ रिवर टैक्सी भी चलती है, ठीक है। तो ये उधर उनके लिए बहुत कॉमन सी बात है। सिंगापुर
सिंगापुर्स रिवर ट्रांसपोर्ट हैज़ बीन प्रिजर्व द फिकस्ट ऑफ द कंट्रीज पास्ट, यानी उसको उसको डे वन से ही बड़ा उसका रिवर ट्रांसपोर्ट सिस्टम बड़ा जबरदस्त समझा जाता है। ऑफ्टन ट्रेवलर्स अ चांस टू गेट एक्सपीरियंस मॉडर्न सिंगापुर टू फ्रॉम द बैक ऑफ द बर्न बोर्ड, और ये एक उधर के लोगों को एक मौका देता है कि आप मॉडर्न सिंगापुर देखिए, जिसके अंदर क्या ईच बैम बोर्ड कैन कैरी एज मैनी एज 60 पैसेंजर एंड इज कॉस्ट इफेक्टिव, यानी कि उनकी हर बोर्ड के अंदर 60 पैसेंजर आराम से आ जाते हैं, 60 मुसाफिर आराम से बैठ जाते हैं एक बोर्ड के अंदर, और उसके वो और वो यूं भी नहीं है कि उनकी बोर्ड कचरा हो गंदगी हो, बिल्कुल साफ सुथरी बोर्ड से है और इतनी ज़्यादा एक्सपेंसिव भी नहीं होती। एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट इज ऑल्सो पॉपुलर इन मैनी कंट्रीज इन यूरोप। अब एनवायरमेंटल फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट यानी कि जो कि आसानी से लोगों के लिए ट्रांसपोर्ट यूज़ हुई हो जा जो यूज़ हो रही है उसके वो बड़ी फेमस है यूरोप के अंदर। इसके अंदर यूरोप के अंदर जो कंट्रीज जिनकी ये ट्रांसपोर्ट ज़्यादा मशहूर है वो कौन कौन से हैं, नीदरलैंड्स हैं, बेल्जियम है, स्पेन है, डेनमार्क है। प्रमोट साइकिलिंग एज अ मेन मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये लोग क्या करते हैं इनके यहाँ ये बसेस वगैरह इतनी ज़्यादा इस्तेमाल नहीं होती, ये लोग कहते हैं कि बसेस के जरिए ना हार्मफुल जो उनकी पीछे धुआं निकल रहा होता है वो हमारे एयर के लिए हार्मफुल है, जिसकी वजह से वो क्या ये ज़्यादा प्रमोट करते हैं, वो साइकिलिंग को प्रमोट करते हैं। कॉम्पिहेंजन इज अ सिटी इन दिमार्क, दिमार्क इज नोन एज द सिटी ऑफ साइकिलिस्ट, ये एक सिटी है दिमाग के अंदर, और उसका इस वजह से इसके अंदर बहुत ज़्यादा लोग, इसके अंदर ज़्यादा लोगों की स्पेशलिटी की लोग यहाँ पर ना लोग ज़्यादा ज़्यादा साइकिल्स यूज़ करते हैं, इस वजह से इसको सिटी ऑफ साइकिलिस्ट भी कहा जाता है। एंड हैज़ 400 किलोमीटर ऑफ कन्वीनियंट एंड वेल मेंटेन्ड बाईसाइकिल पाथ्स, और इधर 400 किलोमीटर के बाईसाइकिल पाथ सिर्फ बनाए हुए हैं कि वहाँ पर साइकिल चलेंगी। अस्तरम इज द कैपिटल ऑफ द नीदरलैंड इज इवन अहेड ऑफ कंपेहेजन विथ नियरली 800 किलोमीटर ऑफ बाइक पाथ, इधर सिर्फ सिर्फ बाइक पाथ 800 किलोमीटर का है, एंड नियरली 60% ऑफ द लोकल ट्रांसपोर्ट यूज बाईसाइकिल एवरी डे, और यहाँ पर 60% जो उनकी पॉपुलेशन है ना वो हर रोज़ क्या यूज़ कर रही है, बाईसाइकिल्स यूज़ कर रही है। और अगर हम लोग पाकिस्तान की बात कर लें तो हाँ पाकिस्तान में भी किसी हद तक ये ट्रेंड अब कॉमन हो रहा है, लेकिन यहाँ पे फिर भी बहुत ज़्यादा लोग बाइक्स और व्हीकल्स वगैरह का ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं, बाइसाइकिल का बहुत कम इस्तेमाल करते हैं। कंफ्यूजन इज बिल्डिंग एवरी इवन मोर ग्रीन रूट्स एंड ब्रिज थ्रू द सिटी टू इंश्योर अ सेफ एंड ग्रीन ट्रांसपोर्ट रूट फॉर साइकिलिस्ट वाइल क्रिएटिंग ग्रीन स्पॉट इन द सिटी स्केप, यानी कि कंफ्यूजन वालों ने क्या किया हुआ है कि उनके यहाँ ना उधर ना ग्रीनरी बहुत ज़्यादा है, वो ग्रीन इस वजह से कि साइकिलिस्ट को ना एक पुरसकून माहौल दिया जाए। साइकिल सुपर हाईवे आर ऑलरेडी अ रियलिटी लीडिंग साइकिलिस्ट इन एंड आउट ऑफ द सिटी फ्रॉम एज फार एज 15 किलोमीटर अवे, और उनके यहाँ ना साइकिल हाईवे भी बनाए हुए हैं कि साइकिलिस्ट जो हैं वो कहीं कहीं किलोमीटर आराम सुकून से जा सकें, एक शहर से दूसरे शहर जाना हो तो आराम सुकून से अपने साइकिल पर तो जा सकें। फ्रॉम द विस्लर ऑफ द स्टीम इंजन टू टुडे इज मॉडर्न एंड मोस्ट फास्टर ट्रेन जापान अनडाउटली इज होम टू एन एक्सपेंसिव रेलवे सिस्टम, एक्सटेंसिव रेलवे सिस्टम, यानी कि जापान की अब स्पेशलिटी बता रहे हैं कि उसकी जो ट्रेन सिस्टम है ना वो बड़ा ज़बरदस्त है, जिस वजह से उसका उसको स्पेशलिटी किस में है, रेलवे सिस्टम में। मोर देन 8.66 मिलियन पैसेंजर यूज द रेल ट्रांसपोर्ट एज अ डेली बेसिस, अब हमारे यहाँ तो ये होता ना कि जो हमारा ये जो ट्रेन्स वगैरह हैं ये एक शहर से दूसरे शहर जाती हैं, उनके उनके यहाँ ट्रेन सिस्टम के स्टॉप्स बने हुए हैं, 8.66 मिलियन की जो पॉपुलेशन है वो डेली रेल ट्रांसपोर्ट यूज़ करती है। द टोक्यो मेट्रो सिस्टम इज नोन एज मोर एफिशिएंसी एंड एबिलिटी टू रन ऑन टाइम, और टोक्यो का जो ट्रेन सिस्टम है मेट्रो सिस्टम है वो इतना ज़बरदस्त है कि वो अपने ही टाइम पे चलेगी, अपने ही टाइम पे रुकेगी, ठीक है, जो उसने टाइम बता दिया बस उसी टाइम पे वो अपने स्टॉप पे होती है। यहाँ वाला नहीं कि बताया अगर 3 बजे है तो 4 बजे ट्रेन आ रही है, वहाँ की ट्रेन बड़ी ज़बरदस्त हैं। और जापान फर्स्ट कनेक्टिंग बुलेट ट्रेन और शिनकानसेन टेक्स यू इन डिफरेंट डायरेक्शन अराउंड जापान इन वेरी लेस टाइम, यानी कि जापान की जो बुलेट ट्रेन है जिसको शिनकानसेन भी कहा जाता है वो भी आपको हर डायरेक्शन में हर जगह आपको बड़े कम ही टाइम में पहुंचाती है अपने टाइम पर, ठीक है। टुडे द वर्ल्ड डिमांड बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर टू प्रमोट बेटर पब्लिक ट्रांसपोर्ट सिस्टम टू कैटर टू द नीड ऑफ ग्रोइंग पॉपुलेशन टू रिड्यूस कार्बन फुटप्रिंट्स रिलेटिंग टू वर्ल्ड क्लाइमेट चेंज, अब वो कह रहे हैं कि आजकल जितना भी मॉडर्न दौर है ना वो ज़्यादा ज़्यादा इस चीज़ पर है कि आप पोल्यूशन फ्री चीज़ें यूज़ करें, क्योंकि आज आबादी ज़्यादा हो गई है, जिसकी वजह से क्या हुआ कि अगर हम लोग उतनी अगर जितनी आबादी है उतनी ही हमारे पास ये कार्बन फुटप्रिंट्स यानी कि ये जो ईंधन वाली गाड़ियाँ होती हैं जो अपने अंदर से धुआं निकालती हैं, तो ये हार्मफुल गैसेस हैं
तो अगर जितनी आबादी है उतनी ही अगर व्हीकल्स, ये वाली चीज़ हार्मफुल व्हीकल्स हमारे लिए चलना शुरू हो जाए, तो ये हमारे क्लाइमेट चेंज बहुत वर्स्ट तरीन चेंज आ जाएगा क्लाइमेट के अंदर, ठीक है। हमारे लिए वो काफ़ी ज़्यादा हमारी एयर पोल्यूट हो जाएगी, इतना गंदगी वाली इफेक्ट होगा ना जिसको इतना हाल कोई नहीं। तो ये था आज का लेक्चर, आई होप सो आपको आज का लेक्चर समझ आ गया होगा। अगर आज का लेक्चर आप सबको समझ आ गया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियोस को लाइक कर दीजिएगा और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, इससे मेरे आने वाली हर लेटेस्ट अपडेट्स पहले आप तक पहुंचेगी। मिलती हूँ किसी और वीडियो में, दुआ में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।